हेलो दोस्तों, आज हम आई या ऑप्थेल्मोलॉजी के जो लास्ट 10 साल में इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं मेडिकल बीजी में, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ये 6 वीडियो सीरीज है और ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी आई है, आई की जो एक्सटर्नल 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर कौन सी होती हैं? आउटर टर्नर, नंबर 1 टोनिका फाइब्रोसा, नंबर 2 टोनिका वस्कुलेसा, नंबर 3 इज टोनिका इंटरना। इसमें आपको ये बताना चाहिए पॉजिटिव 5/3 क्लेरा, 1/3 कॉर्निया। इसके दो अलग नाम, यूविस लेयर, वस्कुलर लेयर, आपके सबसे आगे होता है आयरिस, फिर सिलियरी बॉडी, फिर कोरोइड। थर्ड आता है इंटरना, ये जो लेयर होती है रेटिना। इन साइड ऑफ आई को हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं, इंटर सेगमेंट, पोस्टी सेगमेंट। इंटर सेगमेंट को दो पार्ट में फिर से, एंटीरियर चैम्बर, पोस्टी चैम्बर। इसमें विट्रस फ्लूड होती है, इसमें एक्वस फ्लूड होती है, एक्वस ह्यूमर। ये 4 ml होता है, ये 0.31 ml होता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन 3 प्रोसेस से होता है, सिक्रेशन, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ड्रेनेज भी 3 प्रोसेस से होता है, ट्रेविकुलर आउटफ्लो, यूविस्कुलर आउटफ्लो एंड यू कोर्टेक्स मिनिमल 1%, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कि ऑर्बिट, ऑर्बिट आई स्ट्रेट होती है, पर ऑर्बिट है वो आपका 22.5 डिग्री लेटरली होता है। जो आपका ऑर्बिट है उसकी वाल्व, आपको जो वाल है फ्रंटल, फ्लोर, मीडियल एंड लेटरल, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बोन फॉर्म करती हैं। फ्लोर है वो पैलेटाइन, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी, पजामा एज निमोनिक याद कर सकते हो। यहाँ पर आपकी 3 बोन होती हैं, इथेमोइड एल एंड एम, मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक। स्फिनोइड के 3 पार्ट होते हैं, ग्रेटर विंग, लेसर विंग एंड बॉडी। ग्रेटर विंग आपकी लेटरल वॉल में आएगी, लेसर विंग आपकी रूफ में आएगी और बॉडी आपकी मिडल वॉल में आएगी, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लेंट्रोमा होता है, उसमें कौन सा साइन देखने को मिलता है अपने को? टीयर ड्रॉप साइन। एम्ब्रियोलॉजी आई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यू पूछ जाते हैं। मेनली 4 पार्ट से आपका एम्ब्रियोलॉजी होता है, सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट एंड एमेजोडर्म। इसके आपको निमोनिक पता होना चाहिए, इसमें SLE है, इसमें जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसकी ट्रिक है, 3 स्ट्रक्चर है, इसमें 4 हैं ROME। हमने निमोनिक लिखा है, हमें इनका ये पता होना चाहिए कि आप देखोगे बुक में तो पता चलेगा। उसके बाद आता है कि सेकेंड एंड टर्शरी विट्रस भी आपका न्यूरो एक्टोडर्म से बनता है। न्यूरल क्रस्ट क्या क्या बनता है? न्यूरल कंपोनेंट एंड मेसेनकाइमल कंपोनेंट, ये 4 ही नंबर होते हैं, 6 ही नंबर होते हैं। मेसोडर्म से 2 स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं आई के, ठीक है। ये हमने एक और भी देखा है, क्लिनिकल क्या होता है इस पार्ट से क्या हो सकता है? यदि एक हाइलोइड वेसल होती है फिट लाइफ में, यदि वो परसिस्ट रहती है तो उसे कहते हैं PHPV, परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। सेकेंडरी एंड टर्शरी 2-3 क्या होता है? एक आपका कंडीशन होती है आयरिस एंड आईलिड कोलोबोमा, ये आपका एम्ब्रियोलॉजी डिफेक्ट के कारण होती है। आपको डिफरेंस इन आई ऑफ एडल्ट एंड न्यूबॉर्न के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बेसिक इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन में स्नेल चार्ट आता है, अदर चार्ट के नाम पता होना चाहिए आपको। रिकॉग्निशन के लिए 2 चार्ट होते हैं, रिजोल्यूशन के लिए 3 चार्ट एंड डिटेक्शन के लिए 2 चार्ट के नाम। उसके बाद आ जाता है मैग्नीफाई आई बॉल को करने के लिए 3 टेक्निक होती हैं, स्लिट फॉर्मेशन, डिफ्यूज, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन होता है। मेनली इसे 3 टाइप का होता है, स्लिट फॉर्मेशन, डिफ्यूज एंड स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी। ओथेल्मोस्कोपी 3 टाइप्स का, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टेन डायरेक्ट। चौथा हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं फंडस कैमरा। फिफ्थ हम विजुअल आई फील्ड को देखने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? पेरीमेट्री। कोर फंक्शन ऑफ मैकुला एनसलर ग्रेड यूज़ करते हैं। सेवंथ आता है 2C एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, गोनियोस्कोपी यूज़ करते हैं, टेक्निक का नाम होता है गोनियोस्कोपी, ठीक है। 8 होता है इंट्राओकुलर प्रेशर का बेस्ट टेक्निक होता है डायरेक्ट मैनोमेट्री, इनडायरेक्ट आपका टोनोमेट्री,
जो इसी बेस होता है वो होता है इम्बर्ट फिकलो। दो टाइप का होता है, एम्प्लेंटेशन एंड इंडेंटेशन। इसमें आपको पता होना चाहिए गोल्डमैन या आपका स्कियोटोनोमीटर, मोस्ट एक्यूरेट टेनोमीटर ये आपका होता है। प्रकिंजे फाइबर मीमेज होती है, प्रकिंजे मेज नॉर्मली चार होती है, 1, 2, 3, 4। इनमें आपको जो जो हमको पता होना होता है, थिकनेस ऑफ कॉर्निया में फर्स्ट एंड सेकेंड इमेज का यूज़ होता है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया में फर्स्ट इमेज का टेक्निक पता होना चाहिए, क्रेटोमेट्री सरफेस ऑफ कॉर्निया है उसमें टोपोग्राफी फर्स्ट इमेज का, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो होता है प्लेसिडो डिस्क, एंडोथेलियम ऑफ कॉर्निया में आपका स्पेकुलर माइक्रोस्कोप यूज होता है, USGA स्कैन आपका एक्जी लेंथ डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, और USGB स्कैन आपका टू चेक पोस्ट सेगमेंटल एबनॉर्मलिटी। दोस्तों ये हमने देखा जो जो इम्पोर्टेंट MCQ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो थैंक यू।